चलिए आज बनाते हैं प्रीतिस किचन में दिवाली के लिए बहुत अच्छा सा नमकीन, जो आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा। हमने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। मैं मेजरिंग कप में 2 कप ली हूँ। आप कटोरी या बर्तन, किसी में बर्तन से आप माप कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। क्रश करने से क्या होता है, एक बहुत सुंदर सा स्मेल आता है। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक डालकर निमकी को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर आधी चम्मच हमने यहाँ पर डाला है देसी घी। घी डालने से बहुत ही क्रिस्पी होता है। और इसको अच्छे से हाथों से मसल लेंगे और इसको मोयम दे देंगे। अब मोयम अच्छे से लग गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे, जैसे हम लोग रोटी का आटा लगाते हैं उस तरह से। देखिए हमने लगा दिया है और बढ़िया सा आटा लगा है, एकदम सॉफ्ट सा। आटा को हार्ड कर देंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और बेलने में आपको दिक्कत होगी। अब हमने यहाँ पर पेड़ा ले लिया है एक आटा का और इसको बेल लेंगे। और ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पतला रखेंगे। और निमकी का शेप में हम इसी तरह से काट लेंगे। आप चाकू से या पिज्जा कटर से किसी से भी काट सकते हैं। इस तरह से काट लेंगे और इसी तरह से छोलनी से हम उठा लेंगे, ताकि उठाने में आसानी रहता है इस तरह से उठाने से। हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गरम है। पूरा गरम में भी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये बबल दिखने लगता है निमकी में। अब इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखे हैं हम। यहाँ पर सारे निमकी को इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। आपको आवाज़ से ही पता चलता होगा कितना क्रिस्पी बना है। तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए कितना आवाज़ दे रहा है। तैयार हो गया मेरा क्रिस्पी निमकी और मैं खा के टेस्ट करती हूँ। बहुत अच्छा है।